नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर चला बिजनौर के चांदपुर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता एसपी गुप्ता की खास रिपोर्ट। चांदपुर तहसील के ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम नानौर में आजादी के अमृत महोत्सव पर शहीदों को नमन करने के बाद अमृत कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों ने गाँव की माटी एवं चावल देकर शहीदों को नमन किया। आपको बता दें, आजादी के अमृत महोत्सव पर सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम नानौर के प्राथमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक विकास अधिकारी पंचायत सतीश कुमार, पंचायत सचिव संजीव कुमार ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव के शिलापट के समीप शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद दो कलश में गाँव से मिट्टी एवं चावल एकत्र किए गए। एक कलश में गांव के घर घर से मिट्टी ली गई और दूसरे कलश में हर घर से चावल लिए गए। शहीदों को नमन करने एवं राष्ट्रगान के बाद दोनों कलश को लेकर ग्रामीण बच्चों एवं विभागीय अधिकारी प्राथमिक विद्यालय से शुरू की गई कलश यात्रा में शामिल हुए। सहायक विकास अधिकारी पंचायत सतीश कुमार ने बताया कि ग्राम सभा से कलश ब्लॉक मुख्यालय में जाएंगे, ब्लॉक से जिला मुख्यालय तथा वहाँ से प्रदेश मुख्यालय पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानाचार्य प्रवेश कुमार, सहायक अध्यापक अनिता गुप्ता, गीतू वैद सहित एआरसी तस्लीम अहमद, सतीश कुमार, तेजपाल सिंह, हेम सिंह, मीनाक्षी, प्रीति कौशिक, सोनम देवी, मुन्नी, ममता देवी, उषा देवी, शांति देवी, सुशीला देवी आदि मौजूद रहे। आज प्राथमिक विद्यालय नानौर में जो कार्यक्रम आयोजित है, इसके संबंध में आप जरा विस्तार से बताएंगे। ये हमारे सरकार का एक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा है, जो पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास से उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और ये हमारी सरकार के जो कार्य कराए गए हैं उनकी गुणवत्ता उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो ये जो कलश में मिट्टी एकत्र की जा रही है, इसके बारे में किस तरह से इसे ये हम अब ये कलश यात्रा पूरे गांव में लेकर निकलेंगे और जो हर घर से मिट्टी या चावल अक्षत के रूप में जो हमें देंगे, वो हम इनमें कलश में लेकर के और अपने जिला मुख्यालय पर पहुँचेंगे। वहाँ से कहाँ जाएगा ये? हमारे यहाँ से ब्लॉक जाएगा और ब्लॉक से फिर हमें जिला मुख्यालय जाएगा। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।